हेलो गाइज़, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज़, ये जो बेस्टियल सेट है ना यार, मतलब ये जो आप मेरे इधर देख रहे हो पहना हुआ, तो यार ये आप मेरे को बोल रहे थे कमेंट सेक्शन में, मेरे को नहीं मिल रहा, मेरा 30 डेज़ लॉगिन दिखा रहा है और ये सब हो रहा है। तो यार मैं आपको बता दूं यार, ये क्यों नहीं मिल रहा है यार। पहले तो यार मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि यार अगर ये सेट मेरे को ना मिलता और आपको मतलब आपको मिल जाता तो यार मेरे को बहुत अच्छा लगता। तो यार ये सेट मेरे को नहीं चाहिए यार, पबजी मेरे को नहीं चाहिए, मतलब आपको नहीं मिला और मेरे को मिल गया, तो यार ये सेट मेरे को नहीं चाहिए था, फिर भी यार मेरे को मतलब मिल गया। तो अभी हम बात करते हैं कि ये सेट मतलब आपको कैसे मिलेगा, ठीक है? तो मेरे को अगर मैं किसी को गिफ्ट कर मतलब कर सकता ना, तो यार मैं किसी ना किसी को अपने सबको मैं यार गिफ्ट कर देता, और यार मैं इससे ज़्यादा तो यार कुछ कर नहीं सकता। लेकिन गाइज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको ये सेट कैसे अभी मिलेगा, ठीक है? सबको मिलेगा यार, थोड़ा सा बस आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो अचीवमेंट में चले जाते हैं। पहले तो ये अचीवमेंट वाला ही ऑफ़र है, तो देख सकते हो मैं नीचे चला जाता हूँ और ये मेरा लॉगिन वाला 60 डेज़ वाला कंप्लीट है, ठीक है? अब आपने मेरे को बोला कि भाई 365 डेज़ लॉगिन किया, मतलब एक साल के लिए पूरा लॉगिन किया डेली, तो यार ये पबजी वाले का ग्लिच है। तो मैं आपको बताता हूँ, आपका 30 डेज़ शो कर रहा है जो भी है, तो 30 डेज़ के बाद आपका लॉगिन शो क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने 30 डेज़ लॉगिन किया और उनकी तरफ से यार एक दिन का गैप पड़ गया है, और आपको मतलब लग रहा है कि आपने डेली लॉगिन किया, डे बाय डे लॉगिन किया, लेकिन गाइस कईयों के अकाउंट पे उनकी तरफ से यार गैप पड़ गया, उनको लग रहा है कि एक दिन इसने लॉगिन नहीं किया तो उसके अकाउंट में ये शो नहीं कर रहा, 30 डेज़ शो कर रहा है। तो अभी आपको मिलेगा कैसे, मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको गाइस 30 डेज़ दोबारा से लॉगिन करना पड़ेगा डेली, अगर आपका 30 डेज़ लॉगिन नहीं होता 31st वाले दिन आपको ये सेट मिल जाएगा। तो मैंने यार काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया और मतलब 60 डेज़ मतलब अब मेरे को पता चला कि आपको लॉगिन करना है, और पबजी को मेल भी किया था जिसकी तरफ से यार कुछ खास रिप्लाई आया नहीं। तो आप अब बस अगर आपका 30 डेज़ शो कर रहा है तो 30 डेज़ आप और लॉगिन कर लो, आपको ये सेट डेफिनेटली मिल जाएगा यार। तो यार एक नया सेट आया, मतलब इवेंट्स में आप जा सकते हो लॉगिन पार्क्स में, ठीक है? अगर आप 1 बजे से 5 बजे तक लॉगिन करते हो तो एक क्रेट्स वाला सेट आपको एकदम 3 दिन के लिए एकदम फ्री में मिल जाएगा। तो आप लॉगिन करके एक बार इसको भी चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद यार एक कंपास वाला जो गोल्डन कंपास वगैरह का इवेंट आया था, तो वो आपको नीचे दिख जाएगा, यहाँ पर मैं ब्रोंज कंपास दिख जाता है, ठीक है आपको? अब आप मेरे को आपके मन माइंड में ये क्वेश्चन रहेगा कि गोल्डन कंपास कैसे मिलेगा, ठीक है? मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यार कल मैं सोलो ना ऐसी रैंक पुश कर रहा था, तो मेरे को जैसे मैं घर के अंदर घुसा तो मेरे को एक गोल्डन कंपास देखने को मिल गया। मतलब गाइज आपको ये ना मतलब रेंडमली कहीं पे भी घरों में देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये आपको बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। तो यार ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लासिक मैच खेलो और आप स्क्वाड में ना खेलो, जैसे सोलो वगैरह खेलोगे तो आपको और भी जल्दी देखने को मिलेगा। मैंने कल 2-3 मैचेस खेले जिसमें मेरे को 2 मैचेस में देख सकते हो कंपास ये मेरे को देखने को मिल गया था, मतलब बहुत रेयरली मिलता है। और यार पबजी मोबाइल में एक टीयर प्रोटेक्शन आ चुका है यार, आप टीयर मतलब आपका रेटिंग प्रोटेक्शन होगा, तो ये 17 से लेके 19 तारीख तक चलेगा। आपको 5-5 मैच अगर आप खेलते हो तो आपको 5-5 चांस हर दिन दिए जाएंगे, 17, 18 और 19 को टोटल 15 चांस हो गए आपके पास। तो आपका अगर स्क्वाड में अगर आपका 5-5 मैच में दिन में हर रोज़ माइनस होता है तो आपका माइनस नहीं होगा, प्लस भी नहीं होगा, लेकिन आपका रेटिंग नहीं गिरेगा, मतलब टीयर आपका डाउन नहीं होगा। तो ये सिर्फ स्क्वाड में वर्क करेगा और क्लासिक मैच में वर्क करेगा और सोलो वगैरह में वर्क नहीं करेगा, तो ध्यान से इसको यूज़ कर लेना।